नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है अगले हफ्ते। सपा विधायक मनु अंसारी के सुरक्षा गार्ड के कार्बाइन लूट के मामले में एसटीएफ भी हुई एक्टिव। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 21,607 से घटकर हुए 20,821। प्रयागराज बिजली के पोल से टकराई कार, 4 महिला और 1 बच्चे समेत 5 की मौत। राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे, मथकली से आज की भारत जोड़ो यात्रा की होगी शुरुआत। शीतकालीन के लिए आज से बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। तेलंगाना के आदिलाबाद के ग्रामीणों ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत 2,00,000 पौधे लगाए। ईरान में धार्मिक स्थल पर हमले की आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। भोपाल की एक बस्ती में क्लोरीन रिसाव से हड़कंप, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर इस्माइल श्राफ का 62 वर्ष की उम्र में निधन।